नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का अंश एसटी ग्रुप में। दोस्तों, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के जो आपके बीएमएस और आपके बीयूएमएस के जो प्रथम और द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कराए जाने वाले हैं, उसका आपका एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। अब वो आप कैसे देख पाएंगे इसके बारे में आपको फुल डिटेल्स में बताऊंगा, साथ में आपको नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, वहां से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। टोटल 7 कॉलेजों में आपका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ये जो आपके कराए जाने वाले हैं एग्जाम, ये टोटल 7 कॉलेजों में ही कराया जाएगा। और वो कौन कौन से स्टूडेंट के जैसे किस एरियाज में होगा, कहाँ भेजा जाएगा, इन सभी के बारे में फुल डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि बीएमएस और बीयूएमएस प्रथम और द्वितीय और तृतीय एवं चतुर्थ व्यावसायिक मुख्य पूरक तथा एमडी एमएस आयुर्वेदिक प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा वर्ष 2023 से संबंधित परीक्षा निम्नलिखित महाविद्यालय परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। इसमें कर्म संख्या, परीक्षा केंद्र का नाम, महाविद्यालय एवं जनपद का नाम मेंशन किया गया है। एक नंबर में देखिएगा, लिखा है SGMPG कॉलेज आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज सहेड़ी गाजीपुर में ये 100 केंद्र रहेंगे। इनका एग्जामिनेशन उसी जगह कराया जाएगा जहां वो पढ़ रहे हैं। साथ में लिखा है सिवलिकी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इनका भी एग्जामिनेशन 100 केंद्र ही रहेगा। बनकट आजमगढ़ का ये है आपका विश्वविद्यालय। बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, इनका भी 100 केंद्र ही रहेगा। फोर्थ नंबर में देख रहे हैं इनवे सिन्हा टिबिया कॉलेज चिकित्सालय बीना पारा, 100 केंद्र इनका भी रहेगा। और इसी प्रकार इसी क्रम में आप देख सकते हैं 6-7 आपका दिया हुआ है। इसमें भी सारे कॉलेजों का जो एग्जामिनेशन है वो आपके 100 केंद्र ही बनाया गया है। अगर आपको और भी कोई डाउट लगे दोस्तों तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको अभी तक एग्जामिनेशन लिस्ट नहीं मिल पाई है कि आपके एग्जामिनेशन किस डेट से कराए जाएंगे, तो वो भी आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और कोई लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल अंश एस्ट्री गुरु से जुड़े रहिएगा। साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।